यूपी में तय हुए राशन कार्ड बनवाने के नए नियम, कैसे मिलेगा राशन, किन पर एक्शन लेगा शासन। उत्तर प्रदेश में अयोग्य यानी वो अपात्र लोग जो एक राशन कार्ड धारक की सीमा में नहीं आते हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। वैसे तो इन कार्ड धारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया है और ऐसा न करने वालों पर सीधा जुर्माना और वसूली की कार्रवाई का आदेश हुआ है। योगी सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ये जानकारी हर गांव तक मुनादी करवाकर पहुंचा रहा है। अब सरकार ने पात्र यानी जायज जिन्हें राशन मिलना चाहिए उन लोगों के लिए नए नियम बनाए हैं। चलिए पहले आपको इन्हीं नियमों के बारे में समझाते हैं। खुद के नाम पर जमीन ना हो, पक्का मकान ना हो, भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो, मुर्गी पालन गोपालन आदि ना करता हो, शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता ना मिलती हो, बिजली का बिल ना आता हो। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि किन लोगों को राशन कार्ड जमा करना होगा, राशन कार्ड जमा करने का प्रोसेस क्या होगा। जिस परिवार के पास चार पहिया गाड़ी होगी उसे राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। जिसके पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान होगा, ग्रामीण कर्मचारी होगा तो भी राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। आयकर के दायरे में आने वालों को भी राशन कार्ड जमा करना होगा। घरों में एसी और 5 किलोवाट का जनरेटर रखने वाले भी राशन कार्ड जमा करेंगे। शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा होने पर राशन कार्ड जमा कराना होगा। हथियार का लाइसेंस रखने वाले भी राशन कार्ड जमा कराएं। अब आते हैं राशन कार्ड वापस जमा करने की प्रक्रिया पर। यूपी में राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए सरकार की तरफ से प्रक्रिया तय कर दी गई है। आपको राशन कार्ड जमा करने के लिए सबसे पहले आपको राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन में राशन कार्ड का नंबर देना होगा। आवेदन को अपनी तहसील में जमा कराना होगा। राशन कार्ड कैंसिलेशन आवेदन की जाँच तहसील के अधिकारी के स्तर पर की जाएगी। आपके एप्लीकेशन लेटर की जांच वहां के अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गई है। इसके लिए अपात्र राशन कार्ड धारियों को यूपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ से आप अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। तो ऐसी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।